नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर। बिहार सरकार जनप्रतिनिधियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब पंचायत प्रतिनिधियों की खैर नहीं। बिहार सरकार ने सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने और जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब पंचायतों में जीते हुए प्रतिनिधियों को उनकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। बिहार सरकार के इस फैसले के बाद से पंचायत के विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी। विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों को संपत्ति का ब्यौरा NIC पर अपलोड किया जाएगा। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने पत्र जारी कर दिया है। विभाग की तरफ से जारी यह पत्र में कहा गया है कि पंचायतों के प्रतिनिधियों को बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 174 के तहत लोक सेवकों घोषित किया गया है। इधर पंचायती राज प्रतिनिधियों को सरकारी कर्मचारियों के तहत अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा और इसके लिए तारीख भी निर्धारित कर दी गई है। इसके तहत 31 मार्च का दिन निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर पंचायत प्रतिनिधि तय समय पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं तो 15 अप्रैल को पहला स्पष्टीकरण दिया जाएगा। इसके बाद 15 दिनों के बाद उन्हें अंतिम स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ठीक इसके 15 दिनों के बाद संबंधित कर्मचारियों के संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों से अंतिम रूप से शो कॉज किया जाएगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित जिलाधिकारी को दी जाएगी। अब इसके बाद इस मामले में समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद इस पूरे मामले में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानून की धारा के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों को अपना पद भी गंवाना पड़ सकता है। इस पूरे मामले को लेकर पंचायती राज विभाग द्वारा सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के तहत 31 मार्च तक सभी पंचायत प्रतिनिधियों को अपना संपत्ति का पूरा ब्यौरा जमा करना होगा। इस पूरे मामले को लेकर सिवान के जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजकुमार गुप्ता ने बताया कि इसको लेकर ससमय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सभी पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 मार्च तक जमा करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसा नहीं करने वाले जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बिहार में पिछले साल पंचायत चुनाव हुआ था। इस बार के चुनाव में ज़्यादातर नए उम्मीदवारों को मतदान में अपना मत किया, यानी कि युवाओं की सरकार बनी है। साथ ही साथ चुनाव में एक बड़ी बात जो रही, इसमें नए उम्मीदवारों को जीतने का खूब मौका मिला। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इस पंचायत की सरकार में युवाओं की सरकार बनने वाली है, यानी कि बनी हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से भी लगातार पंचायतों के विकास को लेकर योजनाओं के मद में पैसे आवंटित किए जा रहे हैं ताकि पंचायतों का विकास हो सके और गांव में एक मजबूत सरकार बनी रह सके ताकि संपूर्ण बिहार का विकास हो सके। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर एक तरह से पहले पंचायती राज विभाग ने मुखिया समेत जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके संपत्ति का ब्यौरा अब सार्वजनिक करने की बात कही है ताकि विकास के कार्यों में पारदर्शिता बनी रह सके। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।